हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दे रखा है। पर हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस केस था अरुणा शोंगवाल का। वो एक नर्स थी और वो एक रेप विक्टिम थी। उन्होंने उनकी जो लॉयर थी मिस पिंकी विरवानी, उन्होंने उनके बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की थी कि उनको राइट टू डाई को इंक्लूड कर देना चाहिए आर्टिकल 21 में, क्योंकि जो अरुणा शोंगवाल थी उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो जीना नहीं चाहती थी। तो पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्टिव यूथनेशिया को तो नहीं अलाउ किया था, पर उन्होंने इस केस में पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था। पैसिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि डायरेक्टली आप किसी को मरने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, पर आप उसको वाटर देना बंद कर दें, ट्यूशन देना बंद कर दें, या उसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम उसको हटा दें, तो ये पैसिव यूथनेशिया में आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2011 में पैसिव यूथनेशिया को की पहली बार गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में दी थी। अरुणा शोंगवाल का केस था ये। थैंक यू।